गुड मॉर्निंग बनारस. हे बनारस, गुड मॉर्निंग. कुछ याद आया बचपन में स्कूल के दिन जब हम गा गा करके अपनी टीचर्स को मॉर्निंग विश किया करते थे क्लास में? वो भी एक साथ एक ही सुर में, और हर रोज बदले में मैम की डांट ही सुनते थे. मैम से कहते तो थे कि अब ऐसा कल से नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे दिन भी वही राग अलाप करके ये प्रूव भी कर देते थे कि हम नहीं सुधरेंगे. वैसे भी बनारस, मुझे तो लगता है ना कि बचपन की आदत अगर इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और इतनी दिल में अंदर ही अंदर मुस्कुराहट भर देने वाली हो ना, तो ये आदत सुधरनी चाहिए भी नहीं. हेलो बनारस, सुबह के 7 बज चुके हैं और बचकानी हरकतों को तो भले ही हम ना सुधारे, लेकिन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज लाइफ के लिए बुरी आदतों को छोड़ देने में ही भलाई है. तो जल्दी जल्दी निद्रासन का त्याग करिए और अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा हाई कर लीजिए, क्योंकि आपकी मॉर्निंग को लवली लवली स्माइलिंग बनाने के लिए आ गई है आपकी ये बनारसी मित्र, आपकी मीठी कीर्ति. बोले तो आज ये कीर्ति विद बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग बनारस. हाँ तो भैया बहनी बनारस, और बताइए आज का क्या प्लान? आज की तारीख 9 फरवरी, दिन है टीचर्स डे. मेरा मतलब है गुरुवार. और जितने भी देवी देवता हैं उनके आराध्य गुरु गुरु बृहस्पतिवार हैं, और आज का दिन बृहस्पतिवार, जिस दिन गुरु बृहस्पति भगवान जी की पूजा की जाती है. वैसे भी बनारस अपने शहर में तो 7 बार और 9 त्योहार की परंपरा है कि नहीं? रविवार से सोमवार और फिर शनिवार तक हर रोज हर वार किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष भगवान से विशेष प्रार्थना का दिन होता है. अब आज गुरुवार की बात करें तो माना जाता है कि बृहस्पति भगवान की पूजा करने से लाइफ में वैवाहिक सुख, धन लाभ एवं संतान का सुख मिलता है. तो बनारस, आज आपके मंदिर विजिट के प्लान में मैं ऐड करने जा रही हूँ बनारस यानी काशी का एक अद्भुत मंदिर. हाँ जी, जिसकी स्थापना खुद भगवान विश्वनाथ ने की थी, और यहाँ दर्शन करना बनारस आपके लिए फलदायी हो सकता है. तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दशाश्वमेध घाट रोड पर काशी विश्वनाथ सिंह द्वार की तरफ, जहाँ है गुरुदेव बृहस्पति भगवान जी का मंदिर. और मान्यता ये है कि यहाँ गुरु बृहस्पति स्वयं साक्षात विराजमान हैं, और वो लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं. ये मंदिर कई सदियों से पहले बनाया गया था, और अनादिकाल से इस जीवंत मंदिर में स्वतः देव गुरु विराजते हैं. और भगवान शिव ने जब ये नगरी स्थापित की तो सभी देव मोक्ष नगरी में निवास करने के लिए उत्साहित थे. खुद भगवान शिव ने गुरु बृहस्पति को यहाँ सर्वोच्च स्थान दिया था, ताकि उनके दर्शन प्रतिदिन खुद विश्वनाथ और यहाँ आए देवी देवता, ग्रह नक्षत्र उनका दर्शन कर सकें. इस मंदिर में विश्वनाथ के गुरु को पीला वस्त्र, पीला प्रसाद चढ़ाते हैं. मंगल कार्य सिद्ध होने के लिए हाथों में पीली हल्दी, पीला चंदन लगाते हैं. इस मंदिर में हर दिन 4 प्रहर, 4 दिव्य आरती के अलावा श्रृंगार होते हैं. यहाँ स्वयंभू सालिक ग्राम की मूर्ति है, जो देवों के आराध्य देव बृहस्पति देव हैं. पुराणों में मान्यता है कि जो भी भक्त किन्हीं कारणों से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं जा पाता है, वो सावन के पहले बृहस्पतिवार को यहाँ दर्शन करके पूरे एक महीने काशी विश्वनाथ के दर्शन का फल पा सकता है. तो बनारस, धन मान सम्मान, यश विद्या बुद्धि, ये सब कुछ हासिल करना है तो अपनी ढेर सारी मेहनत के साथ साथ श्रद्धा भाव से इस मंदिर में गुरु बृहस्पति देव का दर्शन पूजन कराइए, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी. बनारस, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और ये आपका मन ही है जो आपके मानसिक टेम्परामेंट को डिसाइड भी करता है. अगर आपका मन अच्छा है तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में कार्यरत होगी. नो डाउट बनारस, आज की लाइफ में ढेर सारी स्ट्रगल के साथ टेंशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो सीधा हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, जिससे कि कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिसऑर्डर और बीमारी हमारे मेंटल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसका हमें खुद पता नहीं लग पाता. क्या है ये मेंटल डिसऑर्डर, कैसे हम इन्हें पहचाने और इससे बचने के लिए क्या उपाय है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस के जाने माने जेनेटिक फिजिशियन डॉक्टर अतुल सिंह. आइए सुनते हैं. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल सिंह, जेनेटिक फिजिशियन, वाराणसी. आज हम मानसिक स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान पे चर्चा करेंगे. सर्वप्रथम, मानसिक रोग एक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को संदर्भित करता है. ऐसे विकार जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इन्हें हम मानसिक रोग कहते हैं. यह जानना अति आवश्यक है
कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य वह मानसिक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास करते हुए रोज दैनिक की तनाव को आसानी से संभाल सके एवं उपयोगी कार्य करते हुए परिवार, समाज, समुदाय में अपना योगदान दे सके। ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि मानसिक रोगों के जोखिम कारक क्या क्या हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अनियमित दिनचर्या, अव्यवस्थित खान पान, तनावपूर्ण जीवन शैली, प्रतिस्पर्धा, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, कोई पुरानी चोट, पुरानी बीमारी, बचपन में दुर्व्यवहार, पारिवारिक टकराव, मादक पदार्थों का सेवन करना खासकर युवाओं में, व्यवसायिक दबाव इत्यादि महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके वजह से मानसिक रूप से लोग बीमार हो रहे हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये देखा जा रहा है कि 5 वयस्कों में एक व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। अब हम देखेंगे कि मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं, जिसमें मुख्यतः अवसाद, डर, भ्रम, चिंता, सिजोफ्रेनिया, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें शारीरिक बीमारियों के अनुपस्थिति में भी कई बार शरीर में इसके लक्षण बने रहते हैं, जैसे दर्द का बना रहना, थकान होना इत्यादि। अब हम सामान्य लक्षण की बात करेंगे कि मानसिक रोगों में सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे कि नींद का न आना या देर से आना, चिंता, घबराहट, तनाव, उदासी का बना रहना, काम में मन न लगना, आत्महत्या का विचार आना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी बना रहना, अत्यधिक साफ सफाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, बुद्धि का कम विकास होना या याददाश्त की कमी का होना, किसी भी प्रकार का नशा करना, मिर्गी, बेहोशी या अन्य किसी प्रकार का दौरा आना, वजन का बढ़ना या कम होना, शरीर में एनर्जी की कमी होना, मूड एवं खान पान की आदतों में बदलाव लाना, दोस्तों एवं अन्य गतिविधियों में सम्मिलित ना होना, अपने आप को अलग थलग कर लेना, ये सब मानसिक रोगों के लक्षण हैं। और मानसिक रोगों के लक्षण जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मानसिक रोग से ग्रसित होने पे व्यक्ति को उसका आभास नहीं होता है और व्यक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं रहता है कि उसके में मानसिक विकार उत्पन्न हो चुके हैं या वो मानसिक रोगों का शिकार हो चुका है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मानसिक रोगों से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दें। जो भी लक्षण अगर आप में उत्पन्न होते हैं या किसी अन्य में उत्पन्न होते हैं, तो समय पर ही नियमित चिकित्सा प्राप्त करें, चिकित्सीय सलाह लें और मानसिक रोगों की चिकित्सीय सलाह लेने में किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, आप किसी झाड़ फूक या अन्य लोगों के चक्कर में ना पड़ें। साथ ही साथ अपना ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें और तनावपूर्ण जिंदगी से अपने आप को दूर रखें, व्यवस्थित खानपान रखें। इन सब तरीकों से आप अपने को मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतुल सिंह फॉर दिस हेल्दी इन्फॉर्मेशन। हे बनारस, इतनी बढ़िया मंदिर घूमाए, सुबह सुबह गुरु बृहस्पति देव की पूजा अर्चना भी कर ली, साथ में डॉक्टर साहब से मेंटल हेल्थ पर इतनी बढ़िया जानकारी भी मिल गई। अब थोड़ी देश दुनिया और शहर बनारस की ताज़ा तरीन खबरों का भी जायजा लिया जाए। तो बनारस तुर्की भूकंप की चर्चा ने इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। हजारों लोगों की जान सिर्फ एक मदद की तलबकार है। इस भूकंप के कहर से मरने वालों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। इस दौरान कड़ाके की ठंड ने लोगों को और भी मुसीबत में डाल दिया है, जिसे हम उन्हें डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वर्चुअली मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। तो बनारस जो विश्वास पात्र संस्था इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप और हम
उन्हें अपना सहयोग तो दे ही सकते हैं। बनारस जुड़ने की बात आई है तो आपको बता दें, कैंट जीआरपी थाने में अब वाराणसी सिटी स्टेशन की जीआरपी चौकी जुड़ेगी, जिसके जरिए फरियादियों की शिकायतों का त्वरित समाधान मिल सके। बनारस आने वाला 13 फरवरी का दिन बनारस के इतिहास में एक बार फिर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाराणसी आना हो रहा है। काशी विश्वनाथ से लेकर के बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन का आयोजन है। इस बाबत एयरपोर्ट से लेकर के इवेंट वाली जगह तक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, तो आप भी अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस दौरान ट्रैफिक में बदलाव की वजह से आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे हाल फिलहाल ट्रैफिक की बात की जाए तो क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम और उसके बाद, इस वक्त बनारस में ट्रैफिक का हाल एकदम बोले तो झन्नाटेदार चल रहा है क्योंकि ना जाम के साथ चमकीली और ये दिमाग को हिला देने वाली जो धूप की लहर है ना, अभी से शुरू हो गई है। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलिए, और इसके पहले कि मेरा शो के बाहर निकलने का टाइम हो जाए, चलिए एक चक्कर लगाते हैं ना इतिहास की गलियों में और जानते हैं अबाउट टुडेज इम्पोर्टेंट स्पेशल इवेंट्स के बारे में। तो बनारस आज ही के दिन सन 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची यानी कि लिस्ट बनाने का काम शुरू किया गया था। आज के दिन जन्मे विशेष पर्सनालिटीज की बात करें तो सीपी कृष्णन नायर, जो भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति रहे हैं, वर्ष 1922 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी, हाँ जी, वर्ष 1993 में आज ही के दिन उनका भी हैप्पी द बर्थडे है। और हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का है आज जन्म दिवस। आज के दिन जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए उनमें है दत्ताजी शिंदे, एक मराठा सेनापति, सन 1760 में उनका हुआ निधन। विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विख्यात बाबा आमटे ने साल 2008 में आज ही के दिन इस दुनिया से अलविदा कहा। एसी छागल्ला, प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश, राजनायक और कैबिनेट मंत्री, टी बाला सरस्वती, भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, भारतीय निर्देशन निर्माता और पटकथा लेखक ओपी दत्ता, ओडिशा में के सुप्रसिद्ध कथाकार व साहित्यकार चंद्रशेखर रथ और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर जैसी हस्तियों ने भी आज ही के दिन इस दुनिया से विदा लिया। बनारस मौसम का हाल देखे तो भले ही कड़ी धूप गर्मी का इशारा कर रही है और बहुत लोगों ने समर सीजन की पूरी शुरुआत भी कर डाली है, लेकिन ठंडी हवाओं का कहर भैया अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए सावधानी बरतिए और ये जो हवाएं जो इशारा कर रही हैं उसे समझिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है आपसे अब विदा लिया जाए, क्योंकि मधुरिमा प्रोग्राम के साथ वापस फिर आपसे मिलने का आना है। तो बनारस अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि ये वो अमृत है ना जो हमें आपके लिए हर रोज नई नई जानकारियों के साथ ढेर सारी मजेदार बातों को भी आप तक पहुंचाने के लिए उत्साहित करती है। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक है और साथ ही साथ PKLDAIR वाराणसी @gmail.com जिस पर कि आप अपने जो बातें हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ यूं ही बने रहिए, और अब गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी अपनी बनारसी कीर्ति, मीठी कीर्ति बोले तो आरजे कीर्ति को टाटा बाय।